ये देखो भाई को बुखार आया है इसलिए वो लेटे हैं और हमारी दुनिया ना गोल गोल घूम रही है, आप देख सकते हैं। देखो कितना गोल 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 मेरा भाई का सर फट जाएगा। ये देखो ये मेरा अम्मी है, किधर गया भाई ने हाथ न टिके वो उनकी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। और आज हमारा ब्रेकफास्ट में मैगी है। मैं भाई को बहुत तंग कर रही हूँ मैगी बनाने के लिए। और देखो भाया मैगी बनाएंगे तो सब लोग देखना चाहेंगे ना, और आप देख सकते हैं भाया क्या क्या करते हैं। अब देखो मैं दिखाऊंगी आपको। और ये देखो भाई क्या कर रहे हैं अभी। तो ये हमारे घर पे हमारे घर पे चूल्हा है तो भाई उसमें ही मैगी बनाएंगे। अब देखते हैं, ये देखो भाई क्या लेकर रखे हैं, देख सकते हैं। और अभी पानी पानी थोड़ा, भाई को देखिए कितना इरिटेट हो रहा है। मुझे आज मैगी खाने के लिए बहुत मन है तो भाया को मैं बहुत इरिटेट कर रही हूँ मैगी बनाने के लिए। क्या है ना, मुझे मैगी बनाना नहीं आता है तो भाई को थोड़ा इरिटेट करती हूँ। बनाना आता है पर तू अच्छा नहीं बना। देखा भाया क्या बोला, मुझे बनाना आता है पर मैं नहीं बनाती हूँ, ये बोल रहे हैं। मेरे हाथ का मैगी ज्यादा टेस्ट है। हाँ भाया का हाथ का मैगी है ना बहुत ज्यादा टेस्ट है, इसलिए उसको मैं बहुत इरिटेट करती हूँ। और ठीक है, अभी पानी गर्म किया है भाया उधर, और वो अभी गरम हो जाएगा फिर हम मैगी बनाने के लिए आएंगे। तो चलो हम चलते हैं। भाया को देखो कितना गुस्सा हो रही है मुझे, और आप बोलो ना थोड़ा गुस्सा कम करे। ये जो मेरी अम्मी है ना वो आज गुस्सा है तो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। देखो देख सकते हैं ना, उसको पैसा चाहिए। वो बहुत टेंशन में होते हैं सब दिन, टेंशन में माँ अम्मी भाया को सब दिन डांटते हैं तो भाया का मूड भी थोड़ा आज अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। और मूड अच्छा, थोड़ा मूड अच्छा करने के लिए मैगी बना रहे हैं वो। और चलो हमारा पानी गर्म हो गया है, अभी मैगी बनाने चलते हैं। भाई ऑलरेडी उधर जा चुके हैं और मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो चलो वो कैसे मैगी बनाते हैं ये देखो। बहुत ज्यादा गुस्से है वो, तो मुंह ढका पूरा मुंह मम्मी ऐसा नहीं पकड़ने का रे, ऐसा पकड़ने का। मैं इससे छोटी हूँ पर वो मुझे बहुत प्यार करते थे, पर अभी नहीं, क्योंकि ना अभी मैं उन अभी मेरी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि ना मैं उनकी उनकी इच्छा बगैर लव मैरिज किया ना, इसलिए वो मुझे अभी प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते। तो ये सब छोड़ो, अब भाया के पास जाते हैं, वो क्या बोलते हैं मैगी के बारे में वो सुनते हैं। भाई ये देखो भाया मैगी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, देख सकते हैं आप अच्छे से, गुस्सा उनकी नाक पर है। काय करते सुनो, काय गंदेस सिम कार्ड सिम गंदेस की रपानो पान पुरैला पर। देख रहे हैं आप हमारी, मेरा बड़ा भाया मेरा छोटा भाया गुस्से में बात कर रहे हैं, क्यों ये मेरा छोटा भैया है, ये मेरी मम्मी है, वो गुस्से से बात नहीं करते यार। तो यार तबीयत सही नहीं है तो थोड़ा सा फीवर है, तो मैंने सोया था सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा बहुत, तो कुछ खाना भी बहुत ज़रूरी है तो हम मैगी बना रहे हैं, तो इसे चेक कर। हेलो हो क्या है, उतर। नहीं मैं सीढ़ी नहीं चढ़ा है। तो अभी मैगी बनाएंगे फिर मैगी खाएंगे। हाँ तो यार तबीयत सच कहूँ तो तबीयत सही नहीं है, इसीलिए मैं छोटी को बोली कि तू थोड़ा सा आज के लिए ब्लॉग बना। ब्लॉग बनाई भी तो किस लिए, मैगी के लिए। ठीक है तो वीडियो पे बने रहिए। भाई मैगी सबूत। हाँ हिंदी में बोलना।
तो चलिए यार ये फटाफट से बनाते हैं फिर हम खाएंगे, ठीक है। बस कर, ये है मेरा नाइफ पुष्पावाज। पुष्पावाज छूटेगा नहीं। मुझे भैया ब्लॉग करने के लिए मजबूर करते हैं, नहीं तो तुझे थोड़ा सा ही मैगी दूंगा ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा मैगी के लिए भी, और भैया की तबीयत थोड़ा ठीक है ना, ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं आज थोड़ा ब्लॉग बना रही हूँ। और मुझे ये पता भी नहीं है कैसे ब्लॉग बनाते हैं, ऐसे ही मैं भैया बोला तो मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। और आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और देखो भैया मैगी बना रहे हैं, मैगी बना नहीं, देखो कैसे है, क्या पहन कर रखे है, देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये क्या है, लुंगी डांस, लुंगी डांस। मैगी बनाना अब खत्म हो गया है, और देखिए मैगी कैसा है, आपकी आहिल ने बनाया है तो आप देख सकते हैं। और हम लोग अभी खाएंगे, तो मैं थोड़ा ज्यादा हूँ ना, क्योंकि ना मेरी मैगी, मेरा पैसा, मैं बनाया तो मैं बहुत ज्यादा खाऊंगी, ठीक है। ये देखो आहिल कैसे, मतलब सबको देंगे, कितना कितना कम कम देंगे, देखो कितना कंजूस है। हमने 100 रुपए वाला तक पकाए थे, ठीक है, वो आटा है तक चूरा, मुझे बहुत ज्यादा है, ये देखो मुझे बहुत ज्यादा दिया है, क्योंकि ना वो जानता है ना मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, और ऐसे में भी उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना उसके लिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा है।